गुप्ता, आज एक वीडियो पेश करने जा रहा हूँ आपके सामने। एक छोटी सी वीडियो जो कि आज हमारा वॉशिंग मशीन में बेल्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। बेल्ट को हम कैसे चढ़ाते हैं, बेल्ट को कैसे लगाते हैं, या एलजी हो, सैमसंग हो, वीडियोकॉन हो, गोदरेज हो, एनी ब्रांड, कोई भी ऐसा वॉशिंग मशीन हो जो कि सेमी सेमी ऑटोमेटिक। ये हमारा जो गोदरेज का है, हमारे पास है गोदरेज, एलजी की, सैमसंग, ये ब्रांड जो है एलजी भी हो सकता है, सैमसंग भी हो सकता है, गोदरेज, वीडियोकॉन, कोई भी हो सकती है। बेल्ट सब में वही, जैसे एलजी में लगाएंगे वैसे सैमसंग में लगाएंगे, जैसे गोदरेज में लगाएंगे वैसे एलजी में लगाएंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे जो पुराने यूट्यूबर्स हैं, लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब शेयर करना मत ना भूले, और जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं, जो नया हमारा वीडियो चैनल देख रहे हैं, वो लाइक जरूर कर दे, और घंटे की वीडियो घंटे का जो सिंबल है वो जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं नया नया चैनल जो अपलोड करूँगा वो आपको तुरंत आपके वीडियो पे दिखाई देगा। और चलते हैं वीडियो की ओर। तो आइए, ये हमारा एक एलजी की मशीन है, 6.2 kg की। ये हमारा वॉशिंग मशीन वर्क कर रहा है। मैं केवल आप सबको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप सब अपने हाथों से पैसे बचा सकते हैं अपने वॉशिंग मशीन के। मान लीजिए बेल्ट वगैरह टूट गई हो और आप बचाना चाहते हैं, तो मार्केट में आसानी से आप बेल्ट मिल जाता है। और ये हमारी मशीन देखिए, ये हमारा ऑन है, ये वॉश मोटर, वॉश टाइमर है, ये देखिए, ये हमारा पल्सेटर है, अभी देखें आराम से चलेगा। हमारी वॉशिंग मशीन एकदम फर्स्ट क्लास है, बट मैं आपको वीडियो बनाने दिखाने के लिए ये यूज कर रहा हूँ। ये भी सही चल रही है, और हमारा स्क्रीन टब, लेकिन मशीन पूरा हिलेगा, ये भी हमारा एकदम परफेक्ट है। केवल मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग सबसे पहले बेल्ट जो है चढ़ाने में दिक्कत आती है बहुत लोगों की, और कभी कभी तो पता भी नहीं चलता है बेल्ट खराब है क्या खराब है। तो उसी के चलते में सबसे पहले आपको बेल्ट अगर चढ़ाना हो तो वॉशिंग मशीन के पीछे जाइए, वॉशिंग मशीन के सबसे पीछे जाइए, और ये आपका जो कैबिनेट है ये सब में होता है, ये कवर होता है, बैक कवर, 1 2 3 4 5 6 7, किसी में 7 स्क्रू लगे होते हैं, किसी में 3 लगे होते हैं, किसी में 4। आप जितना स्क्रू लगा हो आपके ये पैनल पे जो पीछे साइड पे है, उसको आप पेचकस की सहायता से जिस प्रकार मैं खोल रहा हूँ उस प्रकार आप खोल लीजिए। ये मैंने लास्ट नट खोल रहा हूँ, सारे स्क्रू खोल चुके हैं। इस कवर को निकालने के लिए बीच से आप पकड़िए इसको, नीचे की तरफ अगर पुश करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, बाहर आएगा तो ये ऐसे उठा के आप रखें, इसको बोलते हैं बैक कवर जी। और मैंने बात की थी आपको बेल्ट की चढ़ाने का, बेल्ट लगाने का वॉशिंग मशीन में, तो शायद आप सबको ना दिखे तो मैं इसमें टॉर्च का लाइट वगैरह की जुगाड़ करके दिखाऊंगा। ये दिख रहा है ये बेल्ट कैसे चढ़ाते हैं और किस प्रकार चढ़ाते हैं। अगर टूट जाती है, खराब हो जाती है, घिस जाती है, तो इस बेल्ट को आप लोग जल्दी नहीं चढ़ा सकते, या चढ़ाने में दिक्कत आती है, तो वही मैं आप सबको बताऊंगा। इसको पहले निकालूंगा, निकाल के बाद इसी बेल्ट को दोबारा लगाऊंगा। हमारी मशीन तो सही चल रही है, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में आपको दिखा दिया हूँ, केवल ये वीडियो आपको बनाने के लिए और दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। ये बेल्ट पहले मैं उतार देता हूँ। देखिए ये वॉशिंग मशीन का बेल्ट है, इस
पे कभी कभी देखिए इस पे नंबर वगैरह लिखा होता है, नंबर वगैरह मैं देख लेता हूँ, अगर नंबर लिखा होता है तो मैं आपको बता दूंगा कितने बैठ है ये, कितने इस पे नंबर मिट चुका है। और ये अगर आपका टूट जाए या घिस जाए, अगर इस तरह का घिस जाए ये पूरी बेल्ट या टूट जाए बीच से कहीं, तो यही आप बेल्ट उतारिए, बेल्ट निकालिए जिस प्रकार मैं निकाला हूँ, घुमाकर निकालने के बाद आपको मार्केट में ले जाइए। मार्केट में ले जाने के बाद आपको ये बेल्ट आसानी से मिल जाएगी जहाँ वॉशिंग मशीन की पार्ट मिलती है। तो चढ़ाने के लिए मैं क्या सबसे पहले आपको चढ़ाने के लिए ये जो बड़ा वाला गियर बॉक्स दिख रहे हैं, गियर बॉक्स आप देख रहे हैं, इस पे सबसे पहले इस गियर बॉक्स पे चढ़ाएंगे, फिर वॉश मोटर पे। वो कैसे चढ़ाएंगे दिखा दे रहा हूँ सर। पहले ये इस प्रकार ऐसे दाब दीजिए, बेल्ट को नीचे लाइए गियर बॉक्स के पास, गियर बॉक्स के बराबर जो इसकी जगह बचा हुआ है, ये देखिए मैं गियर बॉक्स पे लगा चुका हूँ, गियर बॉक्स लग गया। अब वॉश मोटर पे लगाना है, तो वॉश मोटर आपको दिख रहा है सर, ये देखिए वॉश मोटर पे ऐसे हल्का सा चढ़ाइए, चढ़ाने के वॉश मोटर का जो कैबिनेट इसको ऐसे घुमा दीजिए। देखिए आसानी से एकदम सिंपल से चढ़ गया हमारा वॉश मोटर, देखिए। अब मैं एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, उतारने के लिए आपको वही विधि बता करना होगा। ये वॉश मोटर से धीमे धीमे करके इसको घुमाइए, ये देखिए हमारा ये बेल्ट अलग हो गया, ठीक, बेल्ट देखिए आराम से अलग हो गया। चढ़ाने के लिए फिर से आपको सबसे पहले आपको गियर बॉक्स पे पीछे हाथ लगा लीजिए, अच्छी तरीके से गियर बॉक्स पे बैठाइए, फिर वॉश मोटर पे फिट कीजिए हल्का सा वॉश मोटर, जहाँ पे इसका जगह बना हुआ है वॉश मोटर का, इसे फिट कर कीजिए, दिख रहे हैं। फिट करने के बाद इस वॉश मोटर का जो कैबिनेट है घुमा दीजिए, देखिए चढ़ गया, खट सी आवाज आई, ठीक। ये हमारा इसी प्रकार चढ़ेगा और मैं आपको ऑन करके प्लग इसमें करंट 250 वाट देके और मोटर को चला के मैं दिखाता हूँ। इस पे 220 वोल्ट आ रही है, मेन पावर बोर्ड ऑन कर दिया मैंने, अब ये टाइमर ऑन करूंगा, वॉच टाइमर, और ये देखिएगा ये जी देखिए अभी घूमेगा, हमारी मोटर एकदम फर्स्ट क्लास चल रही थी। बट मैं दोबारा से कहना चाहूँगा कि हमारी मोटर वगैरह कुछ नहीं खराब थी, केवल आपको वीडियो बनाने का हमारा मकसद था, इसीलिए मैं ये बेल्ट आपको उतार के चढ़ा के फिर दिखाया हूँ। तो अब उसी प्रकार मैं बैक कवर चढ़ा देता हूँ। बैक कवर चढ़ाने के लिए देखिए हमारे कई कमेंटों में आए हैं कि इस कवर को कैसे चढ़ाया जाए, कैसे निकाला जाए। देखिए ये खांचे बने हुए हैं, इस पे खांचे बने हुए हैं और इसका ये देखिए नॉब, ये खांचे बने हुए हैं इसका। सबसे पहले इसी खांचे पे आप बैठाइए, बैठाने के बाद यूं ऊपर उठाइए, ऊपर आने के बाद इसको पुल कीजिए, नीचे की ओर पुल करने के बाद ऐसे इसको लगा दीजिए, देखिए एकदम आसानी और इजी से बैठ गया। अब इसको आप स्क्रू लगाएंगे, स्क्रू जितने हैं आपके पास, जितना आपका 5 है 5 लगाइएगा, 3 है 3 लगाइएगा, 7 है 7 लगाइएगा। इसको अच्छे से मैं टाइट कर रहा हूँ,
पेज बचा हुआ है। सर मैंने कैबिनेट लगा दिया और बेल्ट भी आपको मैंने बताया कैसे चढ़ाया जाता है कैसे उतारा जाता है। अगर हमारा बेल्ट किस प्रकार खराब होता है, या तो घिस जाती है हमारी बेल्ट चलते चलते, काफी पुरानी हो जाती है मशीन, या तो पानी वगैरह आप अगर कम डालते हैं तो वो गियर बॉक्स पे इफेक्ट पड़ता है, रबड़ पे इफेक्ट पड़ता है, और अगर बेल्ट टूट जाती है या घिस जाती है तो इसी प्रकार जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया इसी प्रकार आप उतारिएगा। उतारने के बाद पुराना वाला नया ला के मार्केट से चढ़ाइएगा जिस प्रकार मैं आपको बताया। और सर अगर हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो सो थैंक यू फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय फ्रेंड।